सामान सारा आ गया है, टेंट, कैंप, स्लीपिंग बैग और बाकी सामान आ गए। ये रोड बोल रही है अंदर जाती जो ले ले, लंबा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं नहीं, थोड़ा सा पड़ेगा, पर ये जो ऐसे जाम लगा उससे तो बचो। हम निकले हुए हैं इस वक्त लद्दाख के लिए और घर से निकलते ही सामने देखिए नज़ारा, ये हो रही है धुआंधार बारिश और लगा हुआ है जगह जगह जाम। अब रास्ते बदल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं गाड़ी कहाँ तक पहुँचेगी। जगह जगह से अलर्ट आ रहा है कि सब जगह बारिश है, यहाँ तक कि लेह में भी बारिश हो रही है। तो पौटा कर लिया हमने अभी पार और चंडीगढ़ यहाँ से रह गया है कुछ 110 किलोमीटर के आसपास और नज़ारे देखो यार सामने। चंडीगढ़ और देहरादून के बीचों बीच हैं अभी हम और यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया, नितिन आम लेने गया सामने। आई गेस और 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। और अभी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे धूप निकल गई है, तो ऐसे ही जहाँ जहाँ हम जाते रहे वहाँ वहाँ धूप निकलती रही, तो रास्ते मोस्ट प्रॉब्ली साफ़ रहेंगे और खुले रहेंगे, और रास्ते खुले रहेंगे तो लद्दाख जाना उतना ज़्यादा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि अगर बारिश होती रही और रास्ते बंद हो गए तो लद्दाख पहुँचने में आएगी कठिनाई। फ़िलहाल आम खाते हैं। चंडीगढ़ से आगे निकल गए हम लोग, आपको दिखा नहीं पाए जल्दीबाजी में, गाड़ी चेंज करी हमने चंडीगढ़ में नितिन के भाई के घर जाके। हमने अब नेक्सॉन ले लिया क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सही रहेगा तो ले लद्दाख जैसे टेरेन में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। इसमें फास्ट टैग नहीं था तो हमने फास्ट टैग लगाया है। आप भी अगर इस रूट पर आ रहे हैं और अगर आपको फास्ट टैग की कोई दुकान दिखाई दे तो वहाँ हो सकता है आपसे 500 की जगह SBI के फास्ट टैग पर 600 रुपये लें और बोलें कि 400 रुपये आपको मिलेंगे। 600 रुपये नहीं, 500 रुपये देने हैं आपने। हमने कस्टमर केयर पे फ़ोन किया क्योंकि बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था तो ये चीज़ हमें पता चली। ऑल राइट, सो अभी का अपडेट ये है कि हम जलंधर से कुछ 35 किलोमीटर्स पीछे होंगे और ये मेरे जस्ट पीछे मैकडॉनल्ड्स है, तो फटाफट से खा के आगे बढ़ते हैं। पटनी टॉप तो मुझे नहीं लगता आज हम पहुंच पा रहे हैं क्योंकि पटनी टॉप यहाँ से भी अराउंड 300 किलोमीटर दूर दिखा रहा है और अभी बज रहे हैं 7:37 और हमने टोटल कर लिए हैं अराउंड 380 किलोमीटर। तो लेट्स सी क्या होता है, कहीं पे रुकने का कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, जैसा भी होता है आपको आगे अपडेट करते हैं। मित्रों एडवेंचर हो गया शुरू, यहाँ पे जम्मू हमने एंटर कर लिया है लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। नितिन अभी सामने ढाबे में पूछना क्या है और पूछ के आके बताएगा अभी क्या हुआ। हाँ जी, मैं तो नेटवर्क नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वापस मुड़े पठानकोट, बात पठानकोट पढ़ने की नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड प्लान वहीं से अपना सुबह सुबह सिम उठाएंगे। हाँ, और फिर आगे बढ़ेंगे। मिलेगा नहीं थी अभी, क्या कह रहे हैं, टाइम लगेगा होता एक्टिव होने में। लोकल आईडी चाहिए होती है। लोकल आईडी? अरे पागल है क्या, जो लोग बाहर से आते हैं सिम लेते हैं लोकल आईडी थोड़ी लेते हैं, एक्टिवेट नहीं होती ना, तो मतलब हमें वहीं से लेके आना चाहिए था अपने यहाँ से। तो वापस चलते हैं, नेटवर्क में तो चले आएंगे, घरों में बता देंगे कि यहाँ है और फिर सुबह सुबह निकल लेंगे, वहाँ ढंग के होटल तो मिलेंगे कम से कम। यही नहीं फोन कर रहे हैं, इनके नंबर से फोन ना करा देंगे। फाइनली अपडेट ये मिला है कि यहाँ पे हम पोस्टपेड सिम ले सकते हैं अपनी आईडी पे। कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा सुबह देखते हैं। फिलहाल नितिन खाने का ऑर्डर देने गया है, खाना खाएंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे जम्मू बॉर्डर पार करके पंजाब, वहाँ जो भी होटल वगैरह दिखेगा वहाँ पे चेक इन करते हैं ताकि एटलीस्ट हम नेटवर्क एरिया में आ जाएं और घर पे बता सकें कि हम इसके बाद आउट ऑफ नेटवर्क होने वाले हैं। राइडर्स इन हमारे पीछे यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, अगर आप जम्मू से अंदर एंटर कर रहे हैं और अगर बढ़िया दाल खानी है तो राइडर्स इन मैं रेकमेंड करूँगा। हमने सिर्फ दाल रोटी खाई, रात हो गई है तो कुछ हल्का खाना था, सॉलिड दाल। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ढाबे वालों ने बताया है कि पूरा लेह लद्दाख तक सिग्नल नहीं आएगा और सुबह हम यहाँ पे अपनी आईडी पे सिम ले सकते हैं। अभी ट्राई करेंगे कि बॉर्डर के उस पार जाके पंजाब में जहाँ पे नेटवर्क आ रहे हों अभी नाइट स्टे करें, सुबह सुबह यहाँ पे सिम लेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं।
टाइम हो रहा है रात के 1:05 और हम खड़े हुए हैं इस वक्त होटल पार्क स्ट्रीट पठानकोट के बाहर। रूम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कहीं ठीक ठाक रूम मिला नहीं है। नितिन अभी रूम देखने गया है यहाँ पे, इन केस मिल जाता है तो फिर यहाँ पे आराम करेंगे और फिर सुबह निकलेंगे। तो रूम फाइनली हमने इसी होटल में ले लिया है और ये हमारा रूम कुछ इस तरह से है। नहीं दिया फोन करूं? मोबाइल पे कर, लैंडलाइन से नहीं उठा रहे। तो अभी जल्दी से फ्रेश होकर के सो जाते हैं, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके जितना जल्दी हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द मॉर्निंग, गुड नाइट।